क्या खबर मिला था और एक दो बार वार्निंग करने के बाद भी ये सब हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं देखो, सबसे पहले मैं क्योंकि भुगा रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई मुझे ब्लेम नहीं कर सकता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जैसा मुझे फ़ोन आया, एक मैसेज आया शायद आपसे ही आया कि यहाँ में बेलबारी की तरफ कुछ हो रहा है, हमारे धीरेन्द्र को कुछ हो रहा है, मैं हमेशा थानसा बोलता हूँ। और ये लोग, ये कुछ गुंडे लोग जो दूसरे पार्टी से अभी टिपरा मोथा में ज्वाइन किया, वो हमारा पार्टी का नाम लेके मेरा नाम ख़राब करने के लिए टिपरा सबको अटैक कर रहा है। तो जैसा मुझे खबर मिला, मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, मैंने फाइंड आउट किया कि ये कौन था ये आदमी, और उसको अभी सरेंडर भी कराया है और अभी उसको पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया है। और उसके बाद मैं धीरेन को लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आया क्योंकि उसको कान में लगा है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है। क्योंकि मैं दिल में इनको भी अपना टिपरा से ही समझता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि हम लोग अलग हैं। और ये बेवकूफ़ लोग, गुंडे लोग जो ये करते हैं, ये हमारा ही थानचा तोड़ना चाहते हैं। आज अगर इनको कोई ने अटैक किया तो इसमें भुभागरा को खुशी कैसा हो सकता है? अगर एनसी को कोई ने काला झंडा दिखाया तो हमको हम कैसा खुशी होगा? जब मुझे काला झंडा दिखाया गया था मिर्ज़ा कथालिया में, यूथ IPFT लोग ने दिखाया था, तो क्या तिपरा साहब लोग खुश हुए थे? नहीं। तो ये सब चीज़ को ख़त्म करना है, इसके लिए मैं आया खुद। और एज अ चेयरमैन ऑफ तिपरा मैं खुद पुलिस स्टेशन गया, मैं उनके साथ था, वो जिसने इनको ऊपर अटैक किया, इनको अरेस्ट कराया है और आज ही साथ साथ पार्टी से सस्पेंड भी किया है। मतलब जिधर को यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया हूँ, क्योंकि मैं आई एम होपफुल दैट एक दिन हम लोग एक संग ही काम करेंगे। और इससे किसका फ़ायदा होता है? किसी का फ़ायदा नहीं होता। और बाहर के लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कोरोना के टाइम, इतना कोशिश कर रहा हूँ जो बाहर में फंसे उनको लाने के लिए। यहाँ में प्रॉब्लम है, कोरोना हो रहा है, और यहाँ में इन लोगों को राजनीति करना है, इनको गुंडागर्दी करना है। तो ये सब करा के कौन इस लोग फायदा उठा रहा है? जो जिस लोगों को थानचा नहीं चाहिए, जो दोफा के बारे नहीं चाहते हैं, जिसको सिर्फ सस्ता राजनीति करना है, उसी को फायदा होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ टिपरासा और टिपरासा को फाइट कराने के लिए पीछे कोई और रहता है, चाबी कोई और लगाता है, और हम लोग बेवकूफ जैसे एक दूसरे से लड़ते हैं। इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। आज मैं खुद सॉरी बोलता हूँ सबके सामने, मीडिया के सामने, क्योंकि अगर अपना टिपरासा को किसी ने अटैक किया और ये मेरा आदमी था, तो इसका मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उसको सस्पेंड करूँ। और आपके मीडिया के थ्रू मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर टिपरा मोथा के किसी ने भी किसी को काला झंडा दिखाया, कोई टिपरासा लीडर को काला झंडा दिखाया, जितेंद्र चौधरी हो, IPFT का कोई भी लीडर हो, कोई भी पोलिटिकल पार्टी का लीडर काला झंडा दिखाया, तो मैं उनको सस्पेंड करूँगा। ये हमारा टिपरा मोथा का सिस्टम नहीं है, कल्चर नहीं है। हम लोग गो बैक और काला झंडा नहीं वाला राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम लोग पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं। इसके लिए आज मैंने एग्जाम्पल किया है, मैंने एग्जाम्पल बना के इनको इमीडिएटली सस्पेंड किया और अरेस्ट भी कराया। अरेस्ट तो सिर्फ एक लोग हुआ है, तो
एक लोग तो अटैक नहीं किया, बहुत जब तक मेन लीडर अरेस्ट नहीं होगा जिसने उनको पर हमला डायरेक्ट हमला किया, जब तक मेन लीडर अरेस्ट नहीं होगा तब तक कोई इसमें सबक एग्जांपल नहीं बनेगा। ठीक, वो अगर एक क्वेश्चन है, कल जंपी चला ने जो काला झंडा दिखाया उनको आप तो क्या रहे अभी एक्शन क्या लेंगे? अभी तो बोला था तीन लोगों का नाम आया है, सस्पेंड सस्पेंड हो रहा है, हम तभी भी सॉरी बोलते हैं हमारे I'm talking to your friend. No, I'm talking to your friend. No, you're talking to me. I'm talking to you.